भाई हम जब बिल्कुल नए ना बिल्कुल जब शेव भी नहीं आई थी तो हम एक शो करने आए थे एयरवे पे और तब छत वाले स्टूडियो होते थे टॉप फ्लोर पे थे। दूसरी या तीसरी दफा एयरवे आया था मतलब लाइक इतना वाकिफ नहीं था। हम जाके क्यू टीवी की कोई शूट हो रही थी, हम जाके उसके सेट पे बैठे थे 2 घंटे, मोबाइल फोन वगैरह होते नहीं थे। मैं लगा यही शूटिंग हो रही है, यही है हमारा काम। हम जाके बैठे थे 2 घंटे में अगले सेट पे बैठा रहा 2 घंटे, ना कोई फोन पे बताने वाला, ना एडी से वाकफियत, ना कोई। 2 घंटे बैठने के बाद मुझे वो यार यहाँ पे तो ये कुछ फीलिंग नहीं आया, अपना वाला शो नहीं है, मेरी कमी महसूस नहीं हो रही यहां पे। मैं क्या करूंगा लाइक जिस चीज के लिए बुलाया गया। अच्छा 2 दिन पहले मैं आके जा चुका था, हमारी रिहर्सल हो चुकी थी। अब जब मैं आऊं ना नए लोग, मुझे लगा भाई तो बड़ा चैनल है, हर दिन कोई नया काम आता है स्कूल में, हर पीरियड का टीचर होता है, हर किसी का अलग अलग काम होता है, जाके गलत क्लास में बैठ जाते हैं, पूरी क्लास लेने के बाद पता चलता है तुम्हें। 2 से 3 घंटे के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता ना सरकने शुरू हुआ, मैं बाहर निकला, मैंने कहा देखो यही करता था। फिर मैं एक और स्टूडियो था वो जब जाके खुला तो वहां पे वो जान पहचान वाले लोग खड़े थे, ओहो अरे यार इतना लेट है। कहा हां यार वो यूनिवर्सिटी का ना क्लास में था, मुझे कोई पता भाई 2-3 घंटे बराबर बैठ गए। मंगनी हुई थी तो एक प्रोग्राम होता था यहाँ पे, हनीफ राजा करते थे, छुप छुपा के इन्होंने मेरे साथ मिलके प्रैंक किया, यासिर को मिलाया और मैं यहाँ पे रिकॉर्डेड मॉर्निंग शो होता था, वो पहला मॉर्निंग शो था यहाँ का, तो वो करती थी, तो उसकी मेरी रिकॉर्डिंग हो रही थी। वो हनीफ राजा लेकर आए, वो तो छुप गए, एक लड़की आई कोई बहुत ही गंदी संदी सी ना, कोई ऐसी सी लड़की आई और कहने लगी आपने यासर से क्यों मंगनी की, इन्होंने मुझे धोखा दिया, इन्होंने मेरे साथ रिलेशनशिप रखा और इतनी बाट लगा दी मेरी जिंदगी की। तो मैं पहले तो उसको चुप कराती रही, चुप रहो, जब वो और बातें करने लगी, कॉफी पे भी लेकर गए, फिर आगे और बोलने लगी तो मेरी तो आंखों में आंसू हो गए, मुझे कि वो रिकॉर्ड कर रहे थे। और जब वाकई मेरा जब मैं उसको कहती रही नहीं तुम झूठ बोलियो, नहीं तुम झूठ बोलियो, आखिरकार जब मैं सच मानने लगी तो मुझे अपने ऊपर हंसी आ जाती है कि मैं रो गई, फिर पीछे से यासिर आया, हनीफ राजा भी आ गए, फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं कि ये चुप चुप आके हो रहे हैं। ये यासिर भाई ने बहुत चालाकी का काम किया, पता है अब कभी कोई सच्ची भी आएगी ना अपने माने, अब ने कैमरा कहाँ लगा हुआ ये बताओ, अब आप कैमरा ढूंढेंगे कहीं छुपा हुआ। ऐसी ऐसी चीजें हैं यहाँ से। अच्छा मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन स्पेसिफिक स्टूडियो का, जब मैं एक्टर भी नहीं थी तब वो विजय का दौर था, तब विजय सहरिश होती थी शायद, तो वो तब कॉल्स का दौर होता था, कॉल्स करके वो कॉल्स देते थे। तो एक दफा मेरी बहन ने कॉल की एंड शी सेड कि मुझे ना आर्ट्स एंड क्राफ्ट आता है, कम टू आवर शो। So I went with my sister. तो मेरी जिंदगी का पहला इंटरेक्शन विद स्टूडियो वॉज बिहाइंड द कैमरा, माई सिस्टर वॉज देयर, वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट सिखा रही थी सहरिश के साथ एंड आई वॉज बिहाइंड। और तब मुझे शौक था कि मेरे वो शो था गर्ल्स रिपब्लिक। यस और तुम्हें क्या शौक था कि मैंने वीजे और होस्टिंग टाइप उसको देखा है। सो इट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन जब मैं कुछ भी नहीं थी, सो मैं पहली दफा तब आई थी और तब मुझे याद है तब लाइक बारिश का मौसम भी था, दैट्स द फर्स्ट मेमोरी ऑफ दैट स्टूडियो। नाइस। हां भाई किसका और किसको क्या याद है बात अलग शो दे देते हैं। नहीं मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा था वो फर्स्ट टाइम जब हम एडवेंचर के लिए गए थे, दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तुम लोग एडवेंचर के लिए कहाँ गए थे, बाहर गए थे कराची से? थाईलैंड गए थे। ओके। मैं थी, मेविश थी, सना फकर थी, आयशा तूर थी। सना को तो इसलिए गए भेजा था, कह रहे जाओ गांव तो देख के, बहुत टाइम हो गया नहीं गई। तो हमने कहा आज एआरवाई मतलब कल जो है एआरवाई की एनिवर्सरी है तो बली में आए वो, तो कहने लगा कि हम सब जो है ना अलग अलग थीमेटिक मैंने बताया ना, मेहंदी बारात शादी बारात वलीमा वलीमा, सो वो हम बारबी स्नोबॉल दुल्हन कहां है पेरेंट्स मीटिंग नहीं जैसे सरक हमने कहा था मॉनर क्या नहीं सकते। तो याद करो मैं एडवेंचर गए थे, तो मैं एडवेंचर में उस टाइम जब हम फर्स्ट टाइम गए थे
तो यहाँ से 5 लड़कियाँ थी और इंडिया से 5 लड़कियाँ थी. दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज़ एक तो वो अक्रॉस द बॉर्डर आपको लड़कियों से मिलने का मौका मिला, उसमें से 2-4 तो बड़ी फेमस भी हो गई. एक वो मत सोचो ना, तुम आगे बताओ क्या हुआ. तो वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड उबैद भाई थे एज यूजुअल, हर गेम में उबैद भाई होते हैं. एक वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था. और एक हमने शो किया था पेंडोरास बॉक्स. अच्छा, दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस क्योंकि मैं पूरे दिन शूट कराती थी और वो रात को मैं 1 या 2 बजे इनको कहती थी शूट रखो. हाँ, तो हम रात को आते थे फिर सुबह नाश्ता करके जाते थे. वो क्या था पेंडोरा वो? इट वाज अ शो बेस्ड ऑन साइंस एक्सपेरिमेंट्स, यू नो. अच्छा, तो कुछ वो था म्यूजिक पे था. हां, एआरवाई म्यूजिक पे था. एआरवाई न्यूज़ पे आता था और वहादी यहां पे होते हैं वो करते थे डायरेक्ट. अच्छा, वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था. फिर मेरा फेवरेट जो ड्रामा मैंने आज तक किया वो भी है वैसे चला था दरीचा. सो या, सो आई हैव अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज विद एआरवाई. आपका कुछ याद है आप अपने? मैं एआरवाई पहली दफा जो आया था वो एआरवाई जिंदगी के मॉर्निंग शो पे आया था. फैसल भाई जब पोस्ट कर रहे थे, फैसल भाई और फैजान शेख वगैरह, उस पे आया था और बस इतनी बात थी. वाह यार, हाउ डिड यू. मेरी पहली मेमोरी यही थी. अच्छी बुरी से पहली की तो बात है, फर्स्ट मेमोरी अच्छी वाली पुरानी की बात है. पुरानी की बात है, बट इट was it good, was it good? ऐसे तो गेस्ट आया था. बहुत कोई मजे की बात जैसे तमाशा से रिलेटेड. तमाशा तो मेरा बेस्ट, मेरा अभी तक जिंदगी का जो बेस्ट एक्सपीरियंस वो तमाशा ही है. उसने मुझे इतनी इज्जत दी माशाल्लाह, इतना काम दिया, इतने इतना नाम दिया, इतना पैसा दिया, इतने लोग दिए. चले यस उन्होंने किए दोनों. बट अ बेटर एक्सपीरियंस विद द स्टूडियो, जब सबने स्टूडियो का बताया तो मेरा था ACL, the cricket league that we played. So initially I was busy with my shoots, तो वहाँ पे डेट्स नहीं थी, मसले हो रहे थे बिकॉज दे स्टार्टेड अर्ली मॉर्निंग, मुझे तो याद है. सो सडनली मेरे पास कुछ डेट्स निकली और वो कॉल आई हुई थी. आई सेड अच्छा मैं इन डेट्स पे फ्री हूँ. सो आई रिमेंबर दैट जर्नी एवरी डे. मी एंड हरुण भाई वी यूज्ड टू गेट पिक्ड. सो कुछ 1.5 घंटा हमें लगता था बिकॉज रश आवर होता था. एवरी डे वी यूज्ड टू गेट पिक्ड. 1.5 घंटा हम आते थे, क्रिकेट खेलते थे स्टूडियो में. इट वाज सो मच फन. समो तू भी था. और थाने हम जीते थे. ओके हेलो द टीम. हम चले जाते थे. मैं भी उसी शो में था, मैं भी उसी शो में थी. मतलब कुछ हो रहा है ना, इतना कुछ अलग अलग चैनल्स हैं. जैसे लाइक एआरवाइज डॉग जब था तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस है. ये भी म्यूजिक में था, इसका उधर एक्सपीरियंस है. म्यूजिक, डॉग, न्यूज, डिजिटल, इन तमाम प्लेटफॉर्म से. और अब तक चले दो प्लेटफॉर्म हमारे ऐसे कि ए स्पोर्ट्स एंड क्यू टीवी, जहाँ पे अभी तक हमने लाइक क्यू टीवी. लेकिन क्यू टीवी तो देखा तो है ना. अरे वो तो जाके बैठ गया, देखना नहीं किया 2 घंटे के लिए. क्यू टीवी टिक कर दे, आकर 2 घंटे लगा गया. ओके ओके, क्यू टीवी तो सिर्फ ए स्पोर्ट्स. अब ये बोला कर कि मेरा स्टार्ट कहते हैं ना कि एआरवाई फैमिली चैनल है क्योंकि हर घर के फर्द के लिए, हर तबके के लिए यहाँ शोज, ड्रामे सबके लिए मौजूद है. वो यही नहीं हो रहा कि भाई ड्रामे तो बस ड्रामे ही चले जा रहे हैं. सुबह मॉर्निंग शो के टाइम भी ड्रामा, दोपहर में अगर कोई और शो मतलब कुकिंग शो के भी ड्रामा. रिपीट लगा दो. Honestly, not just the shows and not just the dramas, the people around, like you know, from the ENG staff to the these guys. ये सब पुराने मोटर शाहान हैं. यहाँ के लगता है कि आप फैमिली के साथ हैं. कितने साल हो गए आपको? ये 24 पहले ये मीटिंग्स में थे जब उसके बातें हो रही थी. शकील भाई इतने पुराने हैं, उन्होंने अंग्रेज को बता दिया इसको कैमरा कहते हैं. तो ये यू नो दैट्स द बेस्ट पार्ट कि सारे जो लोग हैं पुराने, दे हैव बीन अमेजिंग. अभी तो हम भी नहीं जाते, हम भी चपक के बैठ गए. अरे यार ये अच्छी बात ये है, जाने नहीं देते. तो हां वो जाने नहीं देते. फैमिली बना के ट्रायंगल जो एक दफा इसके अंदर आ गया ना यार, ये बात है. बर्मुडा ट्रायंगल, सही बात.